क्लास सिक्स फ्रॉम एम एल अग्रवाल चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11। राइट ऑल पॉसिबल नंबर यूजिंग द डिजिट 315। रिपीटिंग ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब जो रिपीट हो उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, इसे डबल नहीं करना है। हिंट, यहाँ पे हिंट भी दिया है, हेयर द नंबर्स कैन बी 1, 2 and 3 डिजिट, मतलब हमें यहाँ पे क्या कैसे करना है, कर सकते हैं 1 डिजिट पे, 2 डिजिट पे या 3 डिजिट पे। तो चलिए तीनों को हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है फर्स्ट डिजिट, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 डिजिट। सो 1 डिजिट पे आपका क्या हो जाएगा, 3, 1 and 5। सो 3, 1 and 5। अब यहाँ पे देखते हैं 2 डिजिट। सो 2 डिजिट, सो 2 डिजिट में हम रिपीट करेंगे, यहाँ पे नंबर्स लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3। अब 3 के साथ पहले 1 कर लेते हैं, फिर 3 के साथ 5 कर लेते हैं, ये हो गया। अब 3 कंप्लीट हुआ, 1 पे आते हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 के बाद आपका क्या हो जाएगा 3 एंड 1 के साथ 5, ठीक है। इसी तरह हम अब 5 के साथ भी लेंगे। सो 5 के साथ देखिए, तो फर्स्ट हम 3 ले लेते हैं और 5 के साथ हम 1 ले लेते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ 2 डिजिट। अब आते हैं 3 डिजिट पे। सो 3 डिजिट पे सबसे पहले, ये तो ऑलरेडी 3 ही डिजिट हैं, तो 3 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट 3, तो 3 के साथ 1 and 5, ये 3 डिजिट हो गया। एंड 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 1 के बाद हम 3 कर लेते हैं एंड 5। अब आते हैं 5 में। सो 5 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 3 and 1। अब ये तो अभी हमने 3 से लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने 5, 1 को 1, 5 नहीं लिखा, तो इसके साथ हम यहाँ पे कर सकते हैं 5, 1। ये 1 के साथ हमने 3, 5 लिया, इसे हम 5, 3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 5 के साथ 3, 1 लिए, तो इसे हम चेंज करके 1 and 3 कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर्स यहाँ पे रिपीट नहीं है और ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी 6 डिजिट आर देयर इन ऑल, मतलब कहने का मीन्स है 6 डिजिट में कहाँ से नंबर स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है। तो 6 डिजिट में अगर हम देखें, तो स्टार्टिंग आपका होगा 1000, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 डिजिट हो गए। अब ये कहाँ तक इसका एंड होगा, 9, 9, 9, 9, 9 and 9, क्योंकि आगे हम करेंगे प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakhs, 10 lakhs हो जाएगा। अगर हम इसमें आगे चल दें तो ये 7 डिजिट पे हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, 10 lakhs से, और 9,99,999 तक, ये 6 डिजिट। तो हमें ये बताना है कि इनके बीच कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है। बिकम हाउ मैनी बिकम्स नंबर इन देयर नंबर, तो इन दोनों नंबरों के बीच कितने नंबर्स आते हैं। तो एक हम लॉजिकली आपको बताते हैं, सबसे पहले आप करें द ग्रेटेस्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर, श्योर है कि इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 6 डिजिट नंबर्स का आपका ग्रेटेस्ट ये हो गया 9, 9, 9, 9, 9 and 9। अब हम स्मॉलेस्ट कर लेते हैं 5 डिजिट, सॉरी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ये 5 डिजिट के ही हैं। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स, तो 5 डिजिट नंबर्स के ग्रेटेस्ट क्या हो गए, ये हो गया। अब इससे हमको माइनस करना है और हमें टोटल नंबर प्राप्त हो जाएंगे कितने नंबर्स यहाँ पे हैं 6 डिजिट में। सो 9 माइनस 9, 0। इससे बिल्कुल माइनस मत करिएगा, इन दोनों के बीच हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी याद रखिएगा, आपसे अगर कोई बोले 4 डिजिट का, 4 डिजिट में कितने डिजिट नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट लेंगे और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे और टोटल नंबर ले प्राप्त हो जाएगा। तो 9 माइनस 9, 0, 9 माइनस 9, 0, 9 माइनस 9, 0 एंड 9 माइनस 9, 0, और ये लास्ट आपका 9, यानी कितने यहाँ पे नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच, 9 lakhs, 1, 10, 100, 10,000 lakhs, ओके। सो ये आपका
आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट। फोर डिजिट का हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन हम अपने से नहीं, अगर ग्रेटेस्ट देखें तो फोर डिजिट का ये होता है, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया फोर डिजिट का। चलिए ठीक है, लेकिन हमें किस में बनाना है, दैट कैन बी फाउंड डिजिट 7, 5, 0 एंड 4। इन फोर डिजिट, जो हमारे पास फोर डिजिट है 7, 5, 0, 1, 0, 4, इससे हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ फोर डिजिट नंबर। तो देखिए कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट के लिए जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ग्रेटेस्ट आपका 5 तो 5 ही लिख लीजिए, फिर उसके बाद 0, 4 में आपका ग्रेटेस्ट 4 है, 4 को पहले लिख लीजिए, फिर सबसे स्मॉलेस्ट है 0, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, अब आते हैं स्मॉलेस्ट ऑफ फोर डिजिट नंबर। अब यहाँ पे आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि आप हमने अभी आपसे क्या बताया, जो सबसे ग्रेटेस्ट हो उसे पहले लिखना है, अगर उसी के अकॉर्डिंग हम सबसे इसमें स्मॉलेस्ट करें तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 0, तो अगर हम 0 को पहले कर दें, फिर 4 बाद में कर दें, फिर 5 कर दें, फिर लास्ट में 7, तो ये 4 डिजिट थोड़ी है, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे 457, तो ये तो 3 डिजिट हो गया, इसीलिए ये 0 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद आप बताएं इससे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है, तो 4 है, तो सबसे पहले हम यहाँ 4 को लिखेंगे, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, और जो उसके बाद आपका 0, तो 0 को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, अदरवाइज़ आपसे रॉन्ग हो सकता है। फिर उसके बाद आपका 5, और उसके बाद जो ग्रेटेस्ट है उसे आप लिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा 0 के बहुत सारे आपको क्वेश्चन अभी आगे भी मिलेंगे, 0 को आगे बिल्कुल भी कभी मत लिखिएगा, नहीं तो आपकी जो डिजिट की काउंटिंग होगी वो गलत हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसमें भी आ गया 0, 0, रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ नंबर, ये 7 डिजिट है, टू गेट लार्जेस्ट हमें बनाना है और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट बनाना तो आसान है लेकिन स्मॉलेस्ट बनाना थोड़ा टफ है। तो हमारे पास डिजिट क्या है, 5, 7, 0, 1, 0, 2, 4, तो इसमें अगर हम रीअरेंज करें, रीअरेंजिंग, तो श्योर है कि हमें पहले दो प्रकार से बनेंगे, एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट। तो रीअरेंजिंग पहले हम असेंडिंग पे कर लेते हैं, असेंडिंग मीन्स सबसे छोटा, तो इसमें आपका असेंडिंग में सबसे 0, 0 पहले आएंगे, फिर 1, 2 और फिर 4, फिर 5, फिर 7। अगर हम इसे डिसेंडिंग में बनाएं, तो डिसेंडिंग में आपका सबसे ग्रेटेस्ट पहले होगा, तो 7, 5, 4, 2, 1, 0, 0। अब हम इसमें लार्जेस्ट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे लार्जेस्ट ऑफ 7 डिजिट नंबर, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए 7, 5, 4, 2, 1, 0, क्योंकि यही आपका ग्रेटेस्ट भी होगा, तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर हुआ। और काउंट करिए, 7 डिजिट है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका आंसर हुआ। अब आते हैं स्मॉलेस्ट, जैसे अभी हमने आपसे लास्ट क्वेश्चन पे बताया, स्मॉलेस्ट ऑफ 7 डिजिट नंबर, तो इसके लिए हम 0, 0 आगे तो नहीं लिख सकते, तो हम 1 का हेल्प लेंगे, तो 1 को आगे कर देंगे, फिर उसके बाद दोनों 0 को पीछे कर देते हैं, उसके बाद आप काउंटिंग वैसे ही रखिए, 2, 4, फिर 5, देन आफ्टर 7, ये आपका हुआ स्मॉलेस्ट और ये हुआ आपका लार्जेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, याद रखिएगा 3 जो डिजिट जिस जगह पे है, देखिए यहाँ लिखा है कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द नंबर 7,30,265 सेम, उसे चेंज बिल्कुल, मतलब ये 3 को हमको चेंज नहीं करना है, जहाँ पे है वहीं पे ही उसे रहने देना है। अब रीअरेंज करना है,
और उसके बाद लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट बनाना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं रीअरेंजिंग। ठीक है, क्या करेंगे? रीअरेंजिंग। तो चलिए पहले असेंडिंग ऑर्डर पे करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखते हैं, तो हमारे पास ज़ीरो, देन आफ्टर टू, और याद रखिएगा थ्री सेकेंड नंबर के ही प्लेस पे आना चाहिए। तो थ्री हम पहले एडवांस कर लें, क्योंकि थ्री को ये समझना है थ्री है ही नहीं, ये मान लीजिए थ्री नहीं है, आपको फर्स्ट साइड से सेकेंड पे उसको रख देना। उसके बाद देखिए टू है, टू के बाद है फाइव, क्योंकि थ्री को काउंट ही नहीं करेंगे, फिर सिक्स है और सेवन है, यह अरेंजिंग में हो गया। डिसेंडिंग भी करेंगे, तो डिसेंडिंग में सेवन आगे आएगा, लेकिन थ्री का प्लेस चेंज नहीं होगा, ये दोनों सेम जगह पे रहेंगे। फिर सिक्स, फाइव, टू और ज़ीरो, थ्री को काउंट ही नहीं करना है। चलिए लार्जेस्ट करते हैं, लार्जेस्ट ऑफ फोर सिक्स डिजिट, डिजिट नंबर्स। तो चलिए देखते हैं लार्जेस्ट में सेवन, थ्री को हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, थ्री आपका आंसर है, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं करना है उसे, उसका प्लेस सेम रहेगा। ठीक है, ये समझिए थ्री है ही नहीं। फिर आप ये समझिए सेवन के बाद सिक्स, फाइव, ये है आपका टू और ज़ीरो, ये आपका आंसर हुआ स्मॉलेस्ट ऑफ सिक्स डिजिट नंबर। अब हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, इसी से ही करते हैं। तो देखिए ज़ीरो तो हम पहले लिख नहीं सकते, हमने आपसे पहले ही बताया, तो टू से स्टार्ट करते हैं, तो टू पहले लिखेंगे। अब ज़ीरो यहाँ भी नहीं लिख सकते भाई, वो तो थ्री का प्लेस है, तो थ्री को आप यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद आप ज़ीरो लिखिए, फिर फाइव लिखिए, सिक्स लिखिए और सेवन लिखिए, यह आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर्स। फिर से लिखना है हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग वन डिजिट, याद रखिएगा एनी वन डिजिट ट्वाइस, यानी कोई भी एक डिजिट को आपको दो बार लिखना है फ्रॉम द डिजिट। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट ही कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ फोर डिजिट नंबर्स, नंबर्स। तो चलिए देखिए स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, टू, तो टू को हम टू टाइम्स लिखेंगे भाई, यहाँ पे बोला गया है कोई भी एक नंबर्स को आप टू टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि इसे अगर टू टाइम्स नहीं किए तो ये स्मॉलेस्ट होगा ही नहीं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसके आगे, थ्री, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फाइव। अब फोर ही डिजिट लिखना है तो भाई नाइन को तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि फाइव तक नहीं कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप चेंज करके नाइन मत लिखिएगा, अगर आपने नाइन कर दिया तो 35 से 39 आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह लार्जेस्ट करते हैं ऑफ फोर डिजिट नंबर्स, तो हमें नंबर यहाँ से देखना है। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट लिखना है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, नाइन, तो नाइन को हम टू टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, सभी में आपको टू टाइम्स करना है, एंड नाइन के बाद फाइव, तो फाइव हो गया, फाइव के बाद क्या है, थ्री, तो देखिए इस बार टू कैंसिल हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट लिखना है, अगर आप यहाँ टू करेंगे तो 52 हो जाएगा, वो आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट आपका ये हुआ। चलिए इसी तरह चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ फोर डिजिट। अब देखिए यहाँ ज़ीरो है, हमने आपसे पहले ही बताया कि ज़ीरो को कभी भी आगे मत लिखिएगा अगर आपका डिजिट सही करना है, तो फोर डिजिट में ज़ीरो को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वन से करेंगे, तो वन को हमने आगे कर दिया। अब वन को हम टू टाइम्स लिख सकते हैं, अब वन के बाद ज़ीरो और ज़ीरो के बाद आपका फोर, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन टू टाइम्स वाली बात आई, तो देखिए वन को हम टू टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन ये 1104 हुआ, अगर हम यहाँ पे करें वन, ज़ीरो को अगर टू टाइम्स कर दें तो, और ये लिखें तो ये आपका ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, इसलिए ये गलत हुआ, ये आपका आंसर सही है। हम यहाँ पे जानबूझ के लिखे थे जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ वन ज़ीरो को टू टाइम्स लिखना ज़्यादा सही समझे, ठीक है, क्योंकि ये आपका राइट हो जाएगा।
अब लार्जेस्ट देखते हैं तो सबसे लार्जेस्ट 6, तो हम यहाँ 6 को ही 6 टाइम्स 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि हमें लार्जेस्ट चाहिए। अब इसके बाद 4 और देन आफ्टर 1। इसी तरह थर्ड नंबर देखते हैं, हमें सिर्फ 4 डिजिट की ज़रूरत है, यहाँ पे 5 डिजिट है, तो स्मॉलेस्ट में आपका 1, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 6, ये आपका आंसर हुआ। अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो 8 पहले आएगा, देन आफ्टर 6, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 4, ये आपका आंसर हुआ। सॉरी, हमने यहाँ पे ट्वाइस नहीं किया, जैसे सभी में ट्वाइस किया है, जैसे ये 2 टाइम्स, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट 1 ही है, ठीक है, लेकिन 1 को 2 टाइम्स हमें करना था, ठीक है। फिर उसके बाद 4 और यहाँ पे 5, इतने में ही हो गया, क्लियर, ये आपका आंसर। अब यहाँ पे हमें 8 को 2 टाइम्स लिखना था, हमने 8 को डबल टाइम्स लिखा ही नहीं, तो 8 हो गया, और ये आपका 6 और ये आपका 5, तो 8 8 6 5, ये आपका आंसर हुआ, ये रॉन्ग हुआ, ये आपका राइट है। ओके,